हेलो फ्रेंड्स, आज के मैं मेरे वीडियो में आपको दिखाऊंगी 9/11 मेमोरियल और चल के देखते हैं आसपास क्या क्या है। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये 9/11 मेमोरियल है। 11 सितंबर 2001 में जब अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स पे जब टेररिस्ट अटैक हुआ था, तब टेररिस्ट्स ने एरोप्लेन को हाईजैक किया था और फिर ये बिल्डिंग्स में क्रैश किया गया था। तब दोनों बिल्डिंग्स गिर गई थी और बहुत लोगों की जाने गई थी। करीब 3000 के करीब लोगों की डेथ हो गई थी। तो ऐसे दो मेमोरियल है, एक नॉर्थ टावर की जगह पे और दूसरा साउथ टावर की जगह पे। और जिन जिन लोगों की डेथ हुई है उन सबके नाम इस मेमोरियल पे लिखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। बहुत सैड लगता है ये देखते हुए, इन लोगों के नाम पढ़ते हुए कि कितने लोगों की डेथ हो गई है यहाँ पे। ये वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, ये इसके बाजू में ही बनाया गया है। ये अमेरिका की टॉलेस्ट बिल्डिंग है और इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। ये 9/11 म्यूजियम है, यहाँ पे बताया गया है कितने बजे अटैक हुआ था, कैसे अटैक हुआ था, तो ये सब पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई गई है। ये जो पोस्टर है इसमें बताया गया है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 7 बिल्डिंग्स थी, जिसमें 200 लिफ्ट्स थी, 1200 रेस्ट रूम्स थे। तो आप लोग सोच सकते हैं कि ये बिल्डिंग्स कितनी बड़ी होगी। और 50,000 लोग रोज़ यहाँ काम करते थे। और इसके 107th फ्लोर पे ऑब्जर्वेटरी थी, जहाँ से पूरा न्यूयॉर्क दिखता था। ये लोगों के फोटोज़ लगे हुए हैं जो लोग मिसिंग थे, जो शायद मिले ही नहीं बिल्डिंग गिरने के बाद। तो ये सब देखने के बाद थोड़ा सैड लगता है कि कितने लोगों की जाने गई है इस हादसे में। ये जो वॉल आपको दिखाई दे रही है उसके बारे में बताया गया है कि लोगों को लगता था कि ट्विन टावर्स के गिरने की वजह से अगर इस वॉल को कुछ इफेक्ट हुआ तो ये वॉल टूट जाएगी और जो हडसन रिवर है उसका सारा पानी न्यूयॉर्क में आ जाएगा और न्यूयॉर्क में बाढ़ आ जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये वॉल को कुछ भी नहीं हुआ। इन सीढ़ियों को सर्वाइवर स्टेयर्स का नाम दिया गया है क्योंकि पूरी बिल्डिंग गिरने के बावजूद भी इस स्टेयर्स को कुछ नहीं हुआ था। तो ये भी म्यूजियम में रखी गई है। ये फायर फाइटर ट्रक है और आप स्क्रीन भी देख सकते हैं। तो बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स अलग अलग जगह पे लगाई हुई है। यहाँ पे लगाया गया है कि कैसे उन्होंने लोगों को रेस्क्यू किया था। यहाँ पे लिखा हुआ है जेफ, वी विल नॉट फॉरगेट यू। म्यूज़ियम में बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ रिकॉर्ड करने की शायद परमिशन नहीं है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया है। लेकिन आप अगर न्यूयॉर्क आ रहे हो तो 9/11 म्यूज़ियम तो आपको देखना ही चाहिए। और आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी जो मैंने इस वीडियो में नहीं रिकॉर्ड की है। ये बिल्डिंग का लास्ट कॉलम है तो ये भी इन्होंने म्यूज़ियम में रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा कॉलम है ये। और यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ भी लगी हुई है,
बहुत बड़ा कॉलम है, तो इससे आप सोच सकते हैं कि बिल्डिंग कितनी बड़ी होगी और कितनी स्ट्रांग होगी। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 9/11 जो म्यूज़ियम है वहाँ पे जो शॉप था वहाँ से ये ख़रीदा है। ये फ्रिज मैग्नेट है, तो एज अ मेमोरी आप ऐसा कुछ लेके जा सकते हो। और एक ये कीचेन ख़रीदा, ये मुझे काफ़ी यूनिक लगा, तो ये कीचेन ख़रीदा। ये बुक जैसा है, तो आप देख सकते हैं ये पूरा बुक ऐसा ओपन हो रहा है, ये बुक ओपन हो रहा है ऐसा, और पीछे भी इसके लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और ये ऐसे फिर बंद भी हो जाता है, तो ऐसे बंद हो जाता है, और ये पूरा कीचेन के फॉर्म में है। तो जनरली क्या होता है, यहाँ पे आप किसी भी जगह पे आप विज़िट करोगे ना, तो वहाँ पे गिफ्ट शॉप होगा, तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेगी जिसमें से आप कुछ ख़रीद सकते हैं एज अ मेमोरी के लिए। तो आप कभी आओ तो ऐसी शॉप भी ज़रूर विज़िट करना और कुछ ना कुछ बाय करना आपके मेमोरी के लिए। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको 9/11 मेमोरियल और म्यूज़ियम? अगर आज आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि आप बहुत सारे ऐसे सारे वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।